मैं बहुत खुश हूँ, ये आप पूरी वीडियो देखने पर ही पता चलेगा आपको। हेलो फ्रेंड, मैं बादाम को कैसे कट करती हूँ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बादाम कट करना आसान मेथड से बता रही हूँ। आप इसे कट करके फ्रिज में लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हो। तो एक कढ़ाई लेंगे, उसमें बादाम डालेंगे। गैस की फ्लेम को धीरे रखना है और हल्का सा गरम करना है बादाम को सिर्फ, और 2-3 मिनट गरम होने के बाद गैस को बंद कर देना है और हल्का वार्म होने पर ही बादाम को कट कर लेना है। को मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है। अब हल्का गर्म ही है बादाम, और बादाम हल्के गर्म में ही कट करना है। इस तरह से आप काटोगे ना, एक तो बादाम जल्दी कटेगा, एक पतली पतली स्ट्रिप में कटेगा। तरीका बादाम काटने का ये है कि आप बादाम को 3-4 घंटे के लिए भिगो दो और फिर छिलका उतार कर बादाम को आसानी से कट कर सकते हो। छिलकर मैंने साफ़ करके एक प्लेट में रख लिया है। आप नाइफ़ की सहायता से इसे पतले पतले स्ट्रिप में काट लेंगे। इस तरह से एक तो बादाम जल्दी कट जाते हैं और काटना भी ईजी रहता है। वैसे बादाम बहुत हार्ड होते हैं, उसे काटना मुश्किल होता है, तो आप ये मेथड को भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से भी आप बादाम को कट कर सकते हो। थोड़ा सा गैस में पानी को गुनगुना करो, पानी थोड़ा सा वार्म होगा तो उसमें 4-5 घंटे के लिए आप बादाम को भिगो कर रख दो और फिर आप कट करोगे तो आसानी से कट हो जाएंगे। इस तरह से मैंने 3 तरीके बताए हैं, जो आपको अच्छा लगे उसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हो गया और मेरी बेटी का ड्यू